मीठा खरबूजा और अच्छी भूभी कामी लोगों को नसीब होती है। किस्मती से वो मुझे मिली नहीं। नहीं मिली। इनकी बेगम को ये शो जरूर दिखाया जाए, इनके शोहर के दिल में कोई हो। अच्छा शादी करके आपको क्या मिला, की खटिया तुसी ब्याह कर, रोटी ते हाले भी होटलां तो ही खा रहे हो। खजा हो जाए सड़े बद वही करना आगा दीदी जी ने शांति लगता है क्योंकि दांत नहीं उन्हें दंद वधिया है ना, तो फिर क्रंची क्रंची होंगे ना, बड़ा मजा करते हैं उन्होंने खाने। बस ये सोच के बताऊंगा, अब इतनी खूबसूरत तो नहीं है लेकिन मैं तो मर कर भी मेरी जान तुम्हें चाहूंगा। ला 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 ला। मुझे बताएं शादी हो गया? जी दो बच्चे हैं। दो बच्चे भी हैं माशाल्लाह। मुझे बताएं कि आपकी सास का रवैया शादी से पहले कैसा था और बाद में कैसा, कुछ चेंज? नहीं अभी वैसा ही है जैसा पहले था, अभी भी वैसा ही। पहले भी गंदा था, अभी भी गंदा ही है। मुंह बता रहा है इनका कितना गंदा इन्होंने बनाया है। अच्छा मुझे बताएं कि कोई शिकवा करना चाहें आप अपनी सास से? मैं शिकवा और जी कार भी जाना हाले ठीक ठाक जान दो। मुझे अपनी सास की कोई एक अच्छी और एक बुरी बात बता। एक अच्छी और एक बुरी बात। जो अच्छी है वही बुरी है? मैं कह जेड़ी अच्छी है वही बुरी है। समझ नहीं आई कुछ सान सास को दिखाया जाए कैसे उनकी खुल के कर रहे हैं बुराई। अच्छा मुझे बताएं मोहब्बत में फर्क बताएं। दोनों में ना जिल्लत ही है। जिल्लत मसलन टाइम जाया? नहीं और कुछ भी नहीं। अच्छा मुझे कोई पांच निशानियां बता दें इश्क और मोहब्बत। नहीं पता। नहीं कही डायरेक्ट शादी हो गया। बस एनजी शादी हो गई। चलें अपनी वाइफ के लिए दो लाइनें सुना दे। नहीं कुछ नहीं सुनाना मैंने। कुछ नहीं सुनाना लगता लड़के आए ने। चलें थैंक यू सो मच, हम और भी लोगों से बात करते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। मेरे दोस्त मुझे बताएं कि आपने सस्ता चश्मा कहाँ से बनवाया? वाकई सस्ता है इसलिए बता नहीं सकता कहाँ से बनवाया। सस्ता है आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल तो नहीं है बस सस्ता है। बस सस्ता है जी सच्ची मुच्ची। हाँ तो कोई शेर सुना? शेर कोई नहीं आता। कोई गाना सुना? गाना भी कोई नहीं आता। चले कैमरे में देख के कहें फिर जो हमारा टाइटल है कैमरे में देख के कहें कि मैं एक बेकार इंसान हूँ एक फारिग इंसान हूँ मेरे में कोई टैलेंट। टैलेंट और बहुत से हैं लेकिन गाने और नहीं। कह दें आपने हमें क्योंकि गाना नहीं सुनाया और चूंकि आपने हमें कोई शेर भी नहीं सुनाया तो आपको कहना पड़ेगा। चले जी मैं बहुत बेकार आदमी हूँ ठीक है। कह दें मैं फारिग इंसान हूँ। मैं फारिग हूँ। चले थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और भी लोगों से बात करते हैं, आए और भी लोगों से बात करते हैं। अच्छा है ना तो मुँह देख लो जिमें दोवें पासों ना दीवारों के बच्चे दिता हों लंबा जहा निकला है। मेरा क्या कहना? क्या मैंने क्या कहा? कुछ भी नहीं कहना। मुझे बताएं कितनी अकल है? 100% 100% जी जी। इतना ओवर कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर है। अच्छा मुझे बताएं कि शादी हो गया? जी जी हो गई है। अच्छा कितनी शादी हुई? एक ही हुई है। एक ही हुई है जी जी। मुझे अपनी सास की कोई एक अच्छी और एक बुरी बात बता दें। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अभी नहीं। अच्छा मुझे बताएं कि इश्क और मोहब्बत में फर्क क्या? दोनों सेम है। दोनों सेम है? कैसे सेम है वो? बस जैसे इंडिया और हिंदुस्तान। कोई निशानियां बता दें जब प्यार होने लगता है तो क्या होता है? प्यार होता है तो इंसान को बेचैनी होती है, उसको दुख नहीं होता और जी और बहुत सब कुछ होता है आगे। अच्छा आपने इश्क और मोहब्बत को सेम कह दिया, किस किस बेस पे कहा है आपने सेम होता है? कैसे होते ही सेम है ये? आपको कभी हुआ? जी हुआ है। प्यार की मोहब्बत के इश्क की इश्क हुआ है? इश्क हुआ है। किससे हुआ? लड़की से। कौन सी लड़की? अब मैं पब्लिक के सामने बता तो नहीं सकता। नहीं वो आपकी बेगम है या फिर कोई और है? नहीं बदकिस्मती से वो मुझे मिली नहीं। नहीं मिली। इनकी बेगम को ये शो जरूर दिखाया जाए, इनके शोहर के दिल में कोई हो। मुझे बताएं कि आपकी शादी होगी? जी बिल्कुल हुई है। कितनी शादी हुई?
एक एक ही है। हाँ जी, बस चार करनी है पूरी, चार करनी है, इरादा है। हाँ जी, शक्ल से ही लग रहा था आपकी, इसीलिए मैंने बात को जो है वो आगे बढ़ाया। ढूंढ रहे हैं कोई मिल जाए तो चौथी भी करनी है, दूसरी करनी है, तीसरी भी करनी है, चौथी भी करनी है। चलें आप ढूंढते रहें। इसी के साथ हमें बताएं कि आपकी सास का रवैया आपके साथ शादी से पहले कैसा था और शादी के बाद कैसा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी सास तो ऐसे है जैसी मेरी माँ है। वाह, ऐसी सास होनी चाहिए कि बिल्कुल माँ जैसी है। मुझे बताएं कि माँ जैसी नहीं, माँ ही है, समझ लो मेरी पप्पू है, मेरी माँ है। शादीशुदा है तो फिर मुझे ये बताएं अपनी सास, आपकी सास का रवैया शादी से पहले कैसा था और अब कैसा? पहले नालो वधिया हैगा, वधिया है की वधाता, जुलम वधाता था? नहीं, पहले नालो प्यार वधाता है सास नाल। आहो, अब आपकी ज्यादा इज्जत देने लगी हैं आप। हां जी, हां जी, बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं अपनी सास की कोई एक अच्छी और एक बुरी बात। नहीं, मैं जब जाता हूँ उनके घर तो खिदमत बड़ी करते हैं मेरी, देसी घी, ये वो वादा घाटा, मक्खन मुखन दी से मिलती है ऐसी सास और ऐसे लकी जमाई। अच्छा, मुझे बताएं अपनी सास के बारे में कुछ तारीफ करनी है आपने, एक अच्छी बात और एक बुरी बात। सास के बारे में अच्छी ये है कि उनका इखलाक बहुत अच्छा है, ठीक है, और बुरी ये है कि वो सास है। सास है ये बुरी बात है, ये उनका गुनाह है, उनकी गलती ये है कि उन्होंने आपको अपनी बेटी दे दी है। नहीं, गलती नहीं है, शायद आपको कभी कोई मुंह ना लगाता, आपको तो कोई घर में दूसरी दफा रोटी नहीं देता होना। वो तो अभी नहीं, कोई भी नहीं देता, इसीलिए तो बाहर आए हैं खाने के लिए, इसीलिए बाहर, घर में इनको कोई रोटी नहीं देता है, फोकस करें। अच्छा, मुझे बताएं कि अच्छा शादी करके आपको क्या मिला, की खटिया तुम यहाँ कर रोटी तो हाले भी होटल तो ही खा रहे हो? जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर है घर में हम सिर्फ बर्तन धोने के लिए बैठे हुए हैं, खाना हम बाहर से ही खाते हैं, बर्तन धोते हैं। जी जी बिल्कुल, तभी मैं कहूँ चम्मच जैसा मुंह क्यों हो गया इनका, बर्तन धो धो के हो गया इसी वजह से, अक्सर डोंगे देखकर मुंह चम्मच जैसा हो जाता है, डोंगे जैसा क्यों? आपका वो भी ना टूथब्रश जैसा है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शादी हो गई? नहीं जी, शादी तो नहीं हुई, इरादा है, लेकिन इरादा है करने वाली ना, बस ये बिरयानी खा के इरादा है कि शादी कर लेनी है मैं। बिरयानी खा के क्यों इरादा है ये वाला? स्पाइसी ज़्यादा है, पसंद नहीं आई। हाँ जी, स्पाइसी ज़्यादा है, तो थोड़ा थोड़ा मीठा भी लग रहा है, मीठा खट्टा जड़ा ना, मेरे मुझे लगता है शादी में कर लेनी है, आसार नज़र आ रहे हैं मैनू। अच्छा, मतलब नॉर्मली लोग कहते हैं कि शादी का लड्डू जो खाए वो बचता है, जो ना खाए वो बचता है, ये खा के बचताना चाह रहे हैं ना? मैं सोच रहा हूँ कि चोरी करके खाऊँ मैं। चोरी करके? हाँ जी, मतलब आप भगाना चाह रहे हैं? बस इरादे यही हैं, नेक इरादे मेरे। अच्छा, आपकी सास लगता है अच्छी नहीं है, जो आपकी शादी नहीं होने दे रही, इसीलिए आप भगाने पे आ? असल बहुत सारे लोग भी लड़ रहे हैं वो सास बनने के लिए ना, तो देखता हूँ किसके साथ मेरे मिजाज मिलते हैं, तो उन्हीं को सिलेक्ट करूँगा मैं। अच्छा, मुझे बताएं जो भी आपकी सास आपने सोची हुई है माइंड में, उसकी कोई एक अच्छी और एक बुरी बात बता दें। ऐसी बात जो आपको दिल को बहुत अच्छी लगती है, और कोई ऐसी जो की से आ पाए मगरों लगती है? अच्छी बात ये है कि मैं चाहता हूँ वो कभी घर ना आए। और मुझे बताएं कि आपकी सास का रवैया शादी से पहले कैसा था आपके साथ और अब कैसा? दोनों टाइम सेम था, पहले भी अच्छा था, बाद में भी अच्छा है। ये तो आप इसलिए कह रहे ना कि कहीं वो देख ना ले, सच बताएं हमें? नहीं, साथ की शक्ल बता रही कि आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो आपकी अम्मी देख ली तो कुछ बात आगे बढ़ गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी अम्मी नहीं देखती, मैं अभी छोटी हूँ। नहीं, आगे भी मजीद सास की भी रिक्वायरमेंट है ना, इसलिए तो तारीफ करनी पड़ेगी ना। अच्छा, जैसे ही जो है वो वहाँ पे लेग पीस आके रखा है उन्होंने, इनकी नज़र जो है वो उस पर चली गई, इंटरव्यू का कोई ख्याल नहीं है। अच्छा, आप अपनी बेगम से प्यार करते हैं? जी डेफिनेटली, हर कोई करता है। चले अपनी बेगम के लिए दो लाइनें सुना दें। किस किस्म की लाइनें? गा के, कोई सारे गा तो गाना सुना तो कोई नहीं आता। नहीं नहीं, शेर सुना? शेर भी नहीं आता। शेर भी नहीं आता? नहीं। चले कैमरे में देख के गए, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं एक फारिग इंसान। नहीं, मैं क्यों कैमरे में बोल के? आपने ना गाना सुनाया ना। नहीं, मैं किसी काम का नहीं, मैंने तुसी कार ले जाओ। नहीं,
एक्चुअली फालतू चीज़ें हम बाहर फेंकते हैं, हम घर में कैसे रख सकते हैं। चले थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यहाँ पे एक और इंसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा जो है इनकी ज़ुबान चल रही कैंची की तरह, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? पहले तो आराम है। पहले तो आराम है ना? हाँ नहीं, तेनू वेख के तो खराब हो रहा है। खराब हो रही है तेनू वेख के? मेरा भी बहुत ज़्यादा दिल खराब हो रहा है, बस इतों जाना ही है हूँ। छेती छेती ताड़ा इंटरव्यू कर, जाओ इंटरव्यू ना करिए। नहीं तुसी जाओ। चले ठीक है, थैंक यू सो मच। नाजरीन यहाँ पे कुछ जो है ना वो लुमड़ लुमा इंसान भी हैं, बड़े तेज़ हैं, आप लोगों को क्या बताऊँ। और भी लोगों से बात करते हैं, आए और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की हाल है तुहाडा? तुहाडा ठीक है? मेरा भी ठीक है। हाल जी तुहाडा ठीक है ना? हाँ मेरा भी ठीक है। तुसी बड़ा मुस्कुरा रहे हो, तुहाडी कोई लॉटरी? ऐसी कभी खूबसूरत लड़की नहीं देखी, पहली दफा देखी तो मुस्कुराहट ही निकले आई। इनकी बातें सुन के कुछ मुझे थोड़ी सी खुशी हुई है। अच्छा मुझे बताएं, अकल है आपने? क्या लगे? अकल है आपने? नहीं नहीं अकल नहीं है। नहीं नहीं अकल है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं लगी। हाँ जी नजदीक जब अकल बांट रहे थे तो मैं सीधा निकल गया, इस तरफ से निकल गई, कोई मिस हो गई अकल ना। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम इनसे करें, इंशाल्लाह गुजारा करवा दूंगा। अकल वाला इतने भी देख ली नहीं है, गुजारा कर लेते हैं इनसे सवाल पूछ के। इंशाल्लाह मैं अच्छा करवा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। अकल वाकई मुझ में नहीं है, थोड़ी कमी है, लेकिन ये है कि इतनी भी कम नहीं है कि वो मैडम। सवाल फिर भी पूछ के देख लेते हैं। जरूर जी पूछे पूछे। मुझे बताएं कि शादी हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी शादी? एक ही शादी हुई है, दूसरी की ट्राई में हूँ। दूसरी की ट्राई में है? अगर अच्छा। है भी ऑप्शन तो बता देना। चले देखेंगे। का मेरा ही है सारा पॉइंट। यहाँ पे एक बर्गर वाले भाई हैं, फ्लैट भी लिया हुआ है, सारी अपनी डिटेल दे रहे हैं। अगर किसी ने इनसे शादी करनी है तो कमेंट सेक्शन में आके बताएं। अच्छा मुझे बताएं कि अपनी सास की कोई एक अच्छी और एक बुरी बात बताएं। सास तो मेरी ना वो फूफू है, तो इसलिए उनकी कोई बुरी बात नहीं बता सकते, फैमिली में ही हुई है ना, तो सासे तो सब कोई ऐसी बात हो जो आपको अच्छी ना लगती हो, आप चाहते हो वो चेंज कर लें। अब ऐसा है कि जब वो हमारे घर आ जाती है ना तो अपनी मिसिस को भी काम करे तो वो डांट देती है, नहीं अच्छा वो तो अभी सो के थकी है, अभी उसको सोने दो लेटने दो, यही बस उनका रोल होता है। और ऐसी कई बार ये बहुत बुरी लगती है मेरी, उनसे कई बार लड़ाई हो जाती है कि मैंने अपने घर में उसी को कहना और किसको कहना है, यू नो। अच्छी भी प्यार करने वाली, केयर करती हैं, पूछती रहती हैं कि क्या हाल चाल है, ठीक है सब। अच्छी बुरी? बुरी ये है कि बस सास तो वैसे बुरी लगती है, अब इसके बारे में क्या कहें, एक कमेंट हो सकता है। सास तो मेरे ख्याल में किसी को भी अच्छी नहीं लगती। सास को इतना बुरा क्यों बनाते हैं? कल को आप भी किसी के ससुर बनेंगे तो ऐसे करेंगे आप, वो भी आपके बारे में? नहीं मैं बड़ा कूल माइंडेड हूँ, औरत जात की मेरे ख्याल में वो टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, दैट्स व्हाई आई थिंक सो के इसलिए सोचे। हाँ जी सोचे टेढ़ी होती है औरत की, और जब जब जूं जूं उम्र बढ़ती जाती है ना तो मेरे ख्याल में मेकअप पे जोर बढ़ता चला जाता है, और जो ना सोचे मजीद से मजीद मेरे ख्याल में बिगड़ती चली जाती है। अब आपको कोई मैसेज दे दें, चले उर्दू में पश्तो के बतावे मैं चाहे ख्वाह खुसरा खुद उसरा सम पाते के गए दखा खुश सड़े बद वही कहना अगर दादी जिन्हें पशांति लगा था जमा संग वाला अड़ा था दादी पशांति। अच्छा मुझे इनकी बात की कुछ ज़्यादा समझ तो नहीं आई, बस खुसरे की समझ आई। मुझे लगता है इन्होंने हमारे सोसाइटी में जो खुसरे हजरात हैं उनको कोई मैसेज दिया है, यही कहा? नहीं खुसरों को क्या कहना, वो अब मैं और आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बदतमीजी में आ जाता है, लेकिन मैंने जो आपको उर्दू में लफ्ज़ बोले ना वही मैंने पश्तों में बोले कि आप लोग सास और बीवी से इतने तंग हो ना, फिर शादी का सोचो ही नहीं, फिर शादी नहीं करो आप लोग। अगर सास अगर आप अपनी बीवी के साथ अच्छे हैं और आप अपने सास के साथ अच्छे इंसान बजाते खुद अच्छा हो तो सारी दुनिया अच्छी है, अगर आप खुद अच्छे नहीं हो तो ना आपकी बीवी अच्छी है ना आपकी सास अच्छी है, कोई भी नहीं अच्छा। वो सास बीवी को छोड़ो आपके तो अपनी माँ भी अच्छी नहीं लगेगी फिर। इन्होंने यहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा, आप किसी और से कर लें, हमारे पास भी इतना फालतू टाइम नहीं है, हाथ तो हो गया है। चले नाजरीन इनको पता किस बात का गुस्सा था, हमारी खूबसूरती पर निकाल दिया है। अच्छा इसी के साथ इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज भी दिया था, तो आप लोगों को इस पर अमल करना चाहिए, और भी लोगों से बात करते हैं। आप भी कुछ लेके जाते हैं खाली आधी चले जाते हैं खिदमत करने? नहीं मैं ले जाना वो सलांटियाँ ले जाना होना वास्ते। सलांटियाँ अपनी सास के लिए? क्योंकि दांत नहीं नहीं उन्हें दांत वधिया है ना, तो वो फिर क्रंची क्रंची होते हैं ना, बड़ा मजा करते हैं उन्होंने खाने डे। चले वैसे सलांटी मुझे भी बहुत पसंद है, खाई नहीं काफ़ी टाइम से, ले देना वहाँ दो मिनट से कह दें होते। नहीं थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे बताएँ कि इश्क और मोहब्बत में क्या फ़र्क होता है?
इश्क और मोहब्बत में कभी हुआ ही होगा जिंदगी में? नहीं, दोनों लड़कियां ठीक करते हैं, लड़कियां आती होंगी? लड़कियां भी आती हैं, तो इश्क मोहब्बत से मेरे ख्याल से दोनों जलालत ही होती है। जलालत? हाँ जी। के लिए कोई अच्छा सा सॉन्ग सुना दे। ना, खुश हो जाए। ना, 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 गाने गुने नहीं आते अपन को। गाने गुने नहीं आते, कहते तो ऐसे हैं जैसे कोई भी नहीं सुनता, इनमें से बहुत शरीफ हैं ये लोग। मैनू असल डर हो रहा है वहाँ मैं तो नाच जाएगी, मैं गाना गाता थे। याद नहीं मैं सुना दा कोई पुठे 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 लफ्ज सुना देंगा फिर इंज हसते रहोगे। अच्छा, आप बड़े सुलझे हुए समझदार इंसान लग रहे हैं, मुझे बताएं इश्क और मोहब्बत में क्या फर्क होता है? हाँ जी, मोहब्बत जो आजकल एक मेरे ख्याल में आज एक फर्जी लफ्ज़ है लोगों के लिए, जो लोग इस्तेमाल करते हैं। इश्क के लिए तो लोग जान देते हैं, शाह खाओ खुदा की ज़ात के लिए हो, खाओ किसी इंसान के लिए हो, मोहब्बत तो हमारा बनाया वाला। आपको कभी हुआ है प्यार मोहब्बत इश्क? देखिए, मुझे तो हर एक मिनट बाद होता है, मुझे कोई खूबसूरत दिख जाए मुझे प्यार हो जाता है। मैंने कहा कोई मुझे खूबसूरत दिख जाए ना, खूबसूरती तो हर इंसान को। आपको मुझसे भी हो गया? बस ये सोच के बताऊंगा, आप इतनी खूबसूरत तो नहीं है लेकिन चले आओगे मान रखे। आप भी बिल्कुल ना, अब मैं पहले सोचा था मैं इनको जुगत नहीं लगाऊंगी, लेकिन अब इन्होंने मुझे गुस्सा दिला दिया है। सड़े बर्गर जैसा इनका खुद का मुंह और मुझे कह रहे हैं खूबसूरत। अच्छा, सड़े बर्गर तो खाने का इरादा है आपका? नहीं, इर्द गिर्द नजर मारी यही चीजें नजर आई मैंने जुगत बना। अच्छा, बस टैलेंट है? हाँ जी, टैलेंट है लेकिन टैलेंट भी सड़ा हुआ है। अच्छा, जिवें ताड़ा मुँह सड़ा होया उदा मेरा टैलेंट सड़ा होया। मैंने दसो कि कोई सॉन्ग सुना दो। सॉन्ग पंजाबी ते नहीं सुनावांगा तुहानू क्योंकि पंजाबी ताड़ी मैं सुन ली है, तो हुण मैं जिहड़ा ना उर्दू का कोई सॉन्ग सुना देता हूँ। कोई भी सुना दे, इतना दिमाग भी जोर ना डालें, जो यरी बोरी आपके अंदर है ना अकल वो भी नहीं रहनी फिर। नहीं नहीं, देखिए स्पेशल पर्सन हूँ मैं, स्पेशल हूँ, अच्छा इंसान हूँ, यूनिक पर्सन हूँ, तो एक यूनिक सा। कितनी खुश फहमियाँ पाली हुई हैं ना यूनिक। बस ये आपसे कुछ आते मैंने इनहेरिट। यूनिक दे एन वर्गा तड़ो। बस यही सुन लो, तुसी भी होंडा तो कम नहीं हो। हाँ जी, शौक आपका मुझे दे देंगे ये? भारी है ना, मैं कहता हूँ थक ना जाए आप। मेरा ऑफिस ही बड़ा गर्म है। अच्छा सा शौक मैं सोच रहा हूँ कोई अच्छा जहाँ सोच रहा हूँ तुम्हें ट्रिब्यूट करना है ना। सुना दे कदर हमारी कर लो। नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। नियते शौक भर न जाए कहीं, मरी ना जाओ तुझे ना। कुछ आवाज़ ही नहीं आई, ताड़ी आवाज़ ऐदा चली गई जिमें लोड सेटिंग से बिजली चली जाती है। थैंक यू सो मच, हम और भी लोगों से बात करते हैं, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही। आपको पता है जो भूपियाँ होती हैं ये नसीब वालों की, अच्छे मीठा खरबूजा और अच्छी भूपी कम ही लोगों को नसीब होती है। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली सुना है कि जो फूफो होती हैं वो बड़ी लड़ाकी होती हैं और बड़ी चलाक होती हैं, लड़ाइयाँ डलवाती रहती हैं। आप तो कुछ ऑपोजिट ही बता रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे ही होता है कि भूपियाँ का वहाँ मसला होता है जहाँ के आपकी वो जायदाद का मसला हो, वहाँ पे फूफियाँ जो होती हैं पौड़े ही डालती हैं। नहीं, जायदाद नहीं, ओवरऑल फूफी जो होती है, मेरी फूफी भी बहुत बड़ी है। हो जाता कि रिश्तों के रिश्ता लेने के लिए भी मसला बढ़ जाता है। मैंने आपके मुंडे का रिश्ता लेना ही तो तुम्हें नहीं दिता, तो फिर वो पौड़े पवा देंगी। लेकिन मेरा वही बेलाल फूफी की तरफ, इसलिए मेरी फूफी अच्छी है।
मुझे भी इस चीज़ का बड़ा अंदाजा है कि मीठा खरबूजा रची पुपी नसीब वालों को मिलती है। ये भी बात ठीक है, बड़ी अच्छी मिसाल दी है आपने। मुझे बताएं इश्क और मोहब्बत में फ़र्क बताएं। इश्क जो होता है वो बंदे का आंधा होता है, और मोहब्बत जो होती है वो बंदा खुद किसी को पसंद करके करता है उसके। जैसे कि मैंने आपका पसंद किया मुझे मोहब्बत, अब अंधे हो मुझे भी आपका इश्क हो जाएगा। ये ऐसी चीज़ भी अगर मैं आपसे मजाक क्या हो जाएगा? नहीं, अगर मैं आपसे करूंगा ये है मोहब्बत, अगर आप मुझसे करेंगे ये इश्क है। अपने तरीके का ही जो है वो इश्क मोहब्बत निकाल लिया यहाँ पे। इश्क और मोहब्बत में यही फर्क है, मोहब्बत बता। चले बड़ा यूनिक आपने फर्क बताया। इसी के साथ ना अपनी बेगम के लिए को अच्छा सा सॉन्ग सुना। जिंदगी में सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुम्हें चाहूंगा। ला 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 ला। चलिए थैंक यू सो मच। मुझे लिंक आपने सेंड करना है, और ये हम बाद में भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक और नाच गए मिट्टी जवान जी। नाज़रीन आज हम मौजूद थे जी वन में, यहाँ पे किए हमने लोगों से मज़े मज़े के सवाल, और देखा है कि इनमें कितनी अकल है। कुछ लोगों ने अच्छे जवाब दिए हैं और कुछ ने जो है वो खच्चे मारी हैं। खैर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आगे ज़रूर बताएं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।